थी उतर गई थी। पुराने प्यारों ने संजय भूषण प्रोड्यूसर है, आप प्रोड्यूसर है, आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। नहीं ठीक है, हो सकता है कि उनके जहन में चीजें नहीं होगी और उतर गई होगी। एक दो सिनेमा देखिए, होता क्या है ना कि कुछ सेंटर ऐसे होते हैं ना कि एक दो हफ्ते में वहां से उतर जाती है सिनेमा, तो वो छोटे छोटे सेंटरों को काउंट करके बोल दिए होंगे। लेकिन बड़ी अगर हो सकता है जो उनके जहन में उससे बेहतर कोई सिनेमा चली हुई तो उनको भी बता देना चाहिए कि उसके उसके पहले या उसके बाद में कोई सिनेमा उससे बेहतर चली है तो उनके जहन में नहीं होगी। ठीक है, अब वो किस भाव में बोल दिए। और आप बताएं, आप इंडस्ट्री में, भोजपुरी की इंडस्ट्री में किसी से खेसारी के लिए अगर सवाल करिएगा ना, खेसारी के काम के लिए सवाल करिएगा, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी और ना ही मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है। तो जो मेरे बारे में अच्छे नहीं बोलते हैं वो भी, उनकी भी जरूरत होता हूं मैं, क्योंकि भाई आपके बोलने से मेरे जीवन तो चलती है नहीं, और मेरे लिए क्या बोलते हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं क्या करता हूं ये मेरे लिए मायने रखता है। लोगों का काम है बोलना, जो मेरे अपने हैं वो भी, उनके लिए भी सक्रिय नहीं हूं मैं, शायद उनको लगता होगा, लेकिन मैं जनता के लिए सक्रिय हूं। और जनता मुझे पता है कि जनता कितना प्यार देती है कितना प्यार नहीं देती है, और शायद जिन्होंने बोला है उनको भी प्रोड्यूसर बनाने का काम मैंने ही किया। मुझे लगता है कि उनको भी ये याद रखना चाहिए। और उसका पैसा रिलीज के 6 महीने बाद मैं लिया था। अब इतना कॉपरेशन करने के बाद, इतना कॉपरेट करने के बाद भी अगर उनको लगता है कि मेरी सिनेमा नहीं चलती है तो भगवान करे आप मेरे साथ कभी सिनेमा ही मत करिए। जब मैं चलता ही नहीं हूँ तो आप क्यों आइएगा? अपना पैसा बर्बाद आप मत करिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, मैं अपने जीवन में खुश रहेंगे, हम मिलेंगे एक दूसरे से, भाईचारा हमेशा बनी रहेगी। ना आपके पास हीरो की कमी है, ना मेरे पास प्रोड्यूसर की कमी है, तो हर आदमी तो कहीं ना कहीं सक्रिय ही है। क्या उनके नजर में लिट्टी चोखा और आज की फ्लॉप फिल्म है और उनकी फिल्म जो प्रोड्यूस की वही सुपर हिट है? अरे ठीक है, अच्छा उनकी फिल्म जो रिलीज हुई है उसमें भी हीरो मैं ही हूँ ना, हाँ उसमें भी हीरो मैं ही हूँ, तो भाई ठीक है उनके नजर में वो नहीं चली, वो चली तो चला कौन, खेसारी है ना, चला तो खेसारी है, तो भाई कहीं ना कहीं चला ना। तो ये लोगों का प्यार है और किसी एक के कहने से हमारी फिल्में फ्लॉप नहीं हो सकती। आपको पता है ना कि अवार्ड भी होता है तो 4 लोग डिसाइड करके दे देते हैं, तो क्या मैं कलाकार नहीं हूँ? ठीक है, उन 4ों के नजर में मेरी अहमियत नहीं होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उन 4ों के नजर में भी मेरी अहमियत बन जाए, इससे ज्यादा क्या करूँगा। सर पवन जी से आपका एक मुलाकात हुआ था अभी अभी कुछ तो ऐसा खबर मार्केट में, क्या बात हुई आपका पवन जी से? पवन जी से मुलाकात कब हुआ था सर? ऐसा बात सुन रहे मार्केट में खबर। अरे बताइए, जब हम एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं तो कभी वो हमसे मिलेंगे, हम कभी मिलेंगे, एक ही क्षेत्र है, एक ही फील्ड है, एक ही भाषा है, एक ही भाषा के बेटे हैं हम लोग, तो उनसे दुश्मनी मेरा कब था? वो तो बात की बात होती थी। देखिए ये बताइए कि नेता आपस में लड़ते जरूर है, लेकिन जब संसद भवन में जाते हैं तो सबकी कुर्सी तो एक ही संसद भवन में लगती है ना, तो ऐसा थोड़ी है जब सबकी कुर्सी अलग अलग लगती है। तो बात की बात है, उनकी बातें मुझे कुछ बुरी लगी, मैंने रिएक्ट किया, मेरी बातें उनको कुछ बुरी लगी होगी, उन्होंने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करना ये तो जाहिर सी बात है कि देखिए मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आता है, मैं जिंदा हूं तो मुझे दुख भी होता है। अगर कोई मुझे कोई बात कहता है और मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आएगा और मैं रिएक्ट करूंगा। आज सैया के बेलल रोड की 100 मिलियन सेलिब्रेशन में हम लोग हैं सर, ये तो बहुत सारे मीडिया का सवाल उससे भाग नहीं सकते। आप सर, आप रोटी नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए हम तो अलग क्वेश्चन मार रहे हैं। ये तो चलेगा, ये तो धूम से चलेगा। और मतलब खेसारी जी है तो मतलब और क्या।